लक्कर गीला लक्कर से खाना बनाएंगे तो कैसे, नहीं दूध मिल रहा, नहीं खाना पीना सही टाइम पे मिल रहा, बच्चों को कैसे खिलाएं क्या करें, और नहीं बच्चा सबको कहीं भेजने का मौका मिल रहा है। बताओ भैया आप ही लोग कहाँ जाएंगे हम लोग। गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, चूल्हा चक्की कुछ नहीं दिए हैं। हाँ पैसे भी बोले थे 10,000 आएगा, वो भी नहीं आया, बस फ्री है बस। उससे फ़ायदा मिल रहा है? हाँ तो उससे फ़ायदा है और कुछ नहीं। अब जिस व्यवस्था में आप लोग रह रहे हैं इस तरीके से, कई तरह ना टीचर कितना भरा हुआ है घर में, देखिए कई तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें है? कैसे सोएगा, कैसे क्या करेगा, इतना इतना कीड़ा निकल रहा है। कम से कम ऊंचाई पर रहता, तख्ता भी रहता तो ठोक ठाक के उसमें भी गुजारा करते। जानेंगे यहाँ पे हम लोग आए हैं कि क्या समस्या है और किस तरीके से केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए वो अपने वादों पर खरे उतर पा रहे हैं कि जनता अपने आप को आज भी ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैडम ये बताइए कि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हम आपको सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, राशन उपलब्ध कराएंगे, पानी उपलब्ध कराएंगे, कुछ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? कहाँ कुछ दिया, नहीं राशन, नहीं पानी, नहीं टेंडर मेंडर कुछ नहीं, नहीं पैसे उसे कुछ नहीं मिला। हम लोग रोड पे रह के ख़त्म हो गया सारे सामान, हम लोग कमाने खाने वाला भी सामान कुछ नहीं मिला, क्या बता। बोल रहा कि नहीं पानी उनी तो दिया साधन, मगर राशन पानी नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम लोग रोड से आए तो एकदम टेंडर मेंडर झुग्गी झोपड़ी ख़त्म हो गया, हम लोग कहाँ रहेंगे। सारा सामान जो इकट्ठा किए थे वो सब ख़त्म? सभी ख़त्म हो गया, हम लोग का कुछ नहीं बचा भैया, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बच्चा सबको खिला पिलाएंगे, ये सब कुछ नहीं बचा हम लोग का पास। बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, जब बच्चों का रहना खाना, ये देख लीजिए मैं दर्शकों को दिखा दूं कि इस तरह की एक अस्थायी व्यवस्था है। और एक थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन भी करेंगे कि अंदर का विजुअल ले लें कि जब देश में उज्ज्वला योजना और देश 2024 के मुहाने पर खड़ा है, आज भी दिल्ली के शहर और यहाँ से संसद और सिविल लाइंस लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर नदारद है और खाना लकड़ियों के सहारे चूल्हे पर बन रहा है, जो हमारी पुरानी संस्कृति या विरासत रही है। लेकिन विरासत को सजोने और मजबूरी में रहने में बहुत बारीक अंतर होता है और वो बारीक अंतर यहाँ पर समझ में आ रहा है। थोड़ी सी और बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके से खाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है। दीदी ये बताओ आप जरा कि बच्चे आपके छोटे छोटे, आप ही के बच्चे हैं, इनको कैसे मतलब कि स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, इनके सेहत को लेकर और रहना खाना दूध बच्चों को तीन टाइम उपलब्ध कैसे हो पा रहा होगा। लक्कर गीला लक्कर से खाना बनाएंगे तो कैसे, नहीं दूध मिल रहा, नहीं खाना पीना सही टाइम पे मिल रहा, बच्चों को कैसे खिलाएं क्या करें, और नहीं बच्चा सबको कहीं भेजने का मौका मिल रहा है। बताओ भैया आप ही लोग कहाँ जाएंगे हम लोग। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं फ्री शिक्षा वगैरह स्कूल दे रहे हैं, देगा तभी तो हम लोग फिर कहीं भेजें, कहाँ भेजेंगे भैया हम लोग को। तो कुछ टेंडर में बोला कि 10,000 रुपया देगा सभी ले, आ घर घर का कहाँ दिया हम लोग का, कुछ नहीं मिला हम लोग का। टेंडर भी दे देता तो हम लोग झुग्गी झोपड़ी में डाल लेते कि कहीं बैठेंगे तो कैसी रहेंगे, और नीचे हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी है गीला हुआ, कैसे वहाँ टेंडर से हटा दिया तो कहाँ रहेंगे हम लोग। यही बात हम लोग को भैया परेशानी है, आप लोग भी भलाई कीजिएगा तो हम लोग का कुछ मिल जाए तो और अच्छा होगा। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्या है। अच्छा पूरे जितना महिला हम लोग परसों आए हैं टेंडर से, पूरे महिला को यही समस्या है, आप लोग पूरे महिला से पूछ लो को, सभी लोग महिला यही बताएगा। अच्छा अम्मा ये बताइए कि मोदी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने गैस सिलेंडर और कुछ नहीं दिया, तमाम सुविधाएं, केजरीवाल सरकार का भी कहना है कि महिलाओं को हमने फ्री बस सेवा, इन सब इस बेबसी में इन सब चीज़ों को या लाभ जो मिल रहा है वो मिल पा रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आपको कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं?
गैस सिलेंडर कुछ नहीं है, चूल्हा चक्की कुछ नहीं दिए हैं। हाँ पैसे भी बोले थे 10,000 आएगा, वो भी नहीं आया। बस फ्री है, बस उससे फायदा मिल रहा है। हाँ तो उससे फायदा है और कुछ नहीं। अब जिस व्यवस्था में आप लोग रह रहे हैं इस तरीके से, कई तरह ना टीचर कितना भरा हुआ है घर में, देखिए कई तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें है? कैसे सोएगा, कैसे का करेगा, इतना इतना कीड़ा निकल रहा है। कम से कम ऊंचाई पर रहता, तख्ता भी रहता तो ठोक ठाक के उसमें भी गुजारा करते समझे, तो वो भी नहीं है। अब कौन सा चूल्हा, देखिए चूल्हा दिखाइए, देखिए चूल्हा पर खाना बन रहा है, कहाँ दिया है गैस सिलेंडर, देखिए है। आप देख के जाइए, यही बताइएगा और जो हम बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे समझे, दिखाएंगे वही जो आप बोल रहे हैं। आप आँख से भी देख लीजिए कि यह चूल्हा है, झूठ बोल के नहीं बता रही हूँ। चूल्हा का भी वीडियो ले लीजिए, अंदर जाके भी देख लीजिए कीचड़ कितना भरा है समझे। अब तो चुनाव है, अगले साल सब आएंगे वोट मांगने, तब क्या बोलिएगा नेता लोगों को जो वोट मांगने वोट देंगे? अंदर चल के देख लीजिए कितनी जुगी है, सब में इतना इतना कीचड़ भरा है समझे। क्या बोल रही है दीदी, अब अगले साल तो चुनाव है, मोदी जी वाले नेता जी भी आएंगे, केजरीवाल जी वाले नेता जी भी आएंगे, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेने दीजिए, सब आएंगे अब तो वोट तो देंगी, क्या बोलेंगी नेता जी को? क्या बोले बताओ, जब हमें तो कुछ सुविधा है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिले हमें तो, गैस सिलेंडर के बोले वो भी नहीं मिला, पैसे के लिए कहें कि बैंक खाता खुलवाओ, ये कराओ, वो सब कुछ करवाए, अब तक तो पैसे भी नहीं, सबके आ चुके हैं हम लोगों को, वो भी नहीं आए हैं पैसे, हमें तो वो भी नहीं पैसे मिले हैं। अब बताओ हम क्या करें, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ऐसे जंगलों में रह रहे, कीड़े मकोड़े बहुत निकल रहे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आ रहा था तो देखा मोहल्ला क्लिनिक है, फायदा मिल रहा है उसको? नहीं कुछ, कुछ भी नहीं है। आपके पास भी आएंगे एक एक करके? कुछ भी नहीं है, आपसे भी बात करेंगे, कहीं कुछ भी फायदा नहीं है, कहीं भी नहीं है। और बस वोट लेने के टाइम आएंगे तो वोट के लिए तो आ ही जाएंगे कि हमें वोट दे दो, और बारिश दिनों रात तो बारिश भी हो रही है, बताओ कहाँ रखे, न तिरपाल न कुछ भी ढंग का, वो भी तिरपाल फटे फटे सब है, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हमें कुछ। केजरीवाल जी आए थे वहाँ पीछे आपके यहाँ पे? नहीं यहाँ नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए, किधर आए थे केजरीवाल? क्या पता, हमें तो पता नहीं। एलजी साहब आए थे जो केंद्र सरकार के बड़े नेता हैं दिल्ली के, वो आए थे, छोटे नेता जी लोग आते हैं डील डाल देने की? नहीं हाँ हाँ छोटे मोटे तो आते रहते हैं, वो तो आए थे वहीं पर, हम लोग थे टेंट में जब आए थे वहाँ पे, तो उनके आने से कोई फायदा मिलता है? हाँ एक दफे आए थे बस, बस वो भी लोग एक दफे, एक दफे आए थे, सात छः सात जने करीब थे बस, उसके बाद और कोई भी नहीं, कुछ मतलब नहीं है कि हाँ कैसे हो, नहीं हो कुछ पर नहीं। चलो सूखा अगर राशन पानी भी दे देते तो हम लोग यहाँ आए तो अब तो कम से कम बना खा लेते, वो भी नहीं, हम लोग का काम भी बंद है, ये बाहर पानी आने से काम भी सबके बंद पड़े हुए। क्या काम करते हैं? ये पार्क में काम होते हैं, और सारे में पानी है, सब में कीचड़ है, काम बंद पड़ा हुआ है, अभी कम से कम एक महीना से सब बैठे हुए हैं, डेढ़ महीना से, बताओ क्या खाएंगे? राशन मिलते हैं तो चलो राशन तो कम से कम खा लेते हैं, नमक रोटी तो खा ही लेते हैं, वो भी नहीं है। आगे क्या दिख रहा है कि कैसे अब जिंदगी चलेगी आगे की? अब देखो ना कैसे चलेंगी, ना गैस सिलेंडर ना कुछ भी नहीं है हम लोगों को। इंक्वायरी कर लीजिए हर जगह, गैस सिलेंडर अंदर ही चलिए हमारे साथ, चल रहे हैं अभी चल। हाँ गैस सिलेंडर कहीं मिल जाए समझे, कहाँ से गैस सिलेंडर दिए, ना छोटा ना बड़ा, छोटा भी अगर 5 लीटर वाले दे देते, एक चूल्हा है वो भी दे देते, तो बारिश आता तो उसमें बना के खा लेता है, गीला में रोटी भी नहीं बन पा रहा, और नाम चल रहा है जो गैस सिलेंडर दिया, तिरपाल दिया, कुछ नहीं, देखो ना है ना फटी फटी तिरपाल इस पर। कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा दिखा दे अगल बगल, देख लीजिए यही है, देख लो ये हाँ, दिखाइए ये है चूल्हा, इस तरफ है ये सारे तिरपाल, इस तरफ से सारे फटे पड़े हैं, देखो इधर भी फटी हुई है, सारे पानी अंदर तक आते हैं सारे, मतलब एक के ऊपर एक रखे, हाँ फिर भी पानी अंदर जाते हैं, सारे गीले हैं ऐसे ही में रहते, क्या करें? तो ये मतलब ये जमीन जंगल की ही है? हाँ हाँ जंगल की, ये जंगल की ही जमीन है जी, जंगल की है।
तो इसमें तो कीड़ा मकोड़ा भी निकल जाता होगा जी? जी निकलते हैं, बहुत निकलते हैं, निकलता है सांप वाप निकलते हैं। हाँ बोलिए 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 आप बोलिए। वही इतना शर्मा वही तो निकलता ही, अब क्या बताए। हाँ निकलते हैं, एक के यहाँ पर बच्चे को काट लिए थे तो वो आर्बन में गए एक हफ्ते रहे, फिर उसके बाद वो गांव चले गए, यहाँ रही नहीं, हाथों में काट लिया था इसमें। कमाएगा कहाँ से इंसान। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत महिलाएं हैं, जिंदगी बस ऐसे ही चल रही है शहरों में भी। अच्छा अम्मा ये बताओ, जो बोलना है वो आप हम कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपकी समस्या बताओ। हमारे तो कछु व्यवस्था नहीं है, हमारे भूखे लकड़ी की ना गैस सिलेंडर बट गए, हमारे बेबी नहीं मिले, कुछ न खाने को ना कुछ नहीं आता है यहाँ, हमारे परेशान कच्ची रोटी खा रहे, लकड़ी जल नहीं रही, डेली ना को पानी गिर रहा है, और जे तिरपाल है ये भी नहीं मिली हमारे को, हमने ऐसे नीचे जमीन में ऐसी गिलारी में पड़ी हमारे, वो तो टेंट में डाले थे, टेंट से भगा दिया हमारे उनको, टेंट से भगा दिया। हाँ हम ना क्या बोले बोले जाओ तुम उन्हें जाओ क्या को अपनी झुग्गी में जाओ, हमने किया भाई गीली है पानी है पड़ो, हमें ना टेंट है ना कछु, हम कहते कहते कहे कहीं भी जाओ, तो हमारे पे भाग गया है। तो वहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था थी वहाँ पे आप लोगों को खाने के लिए और सुविधाएं मिलती, तो थोड़ा बहुत मिलता था खाने को, अभी तो आगे से कुछ नहीं मिलता है वहाँ भी, लेकिन पर्याप्त नहीं मिलता था, भरपूर पूरा नहीं, ज्यादा नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत जो कोई खिचड़ी चावल यही आते और नहीं आते, दरिया मरिया और आते बस। हाँ और हम उन्हें ऐसे गैर रोटी के तो माने चावल लेकर के आते थे और सिर्फ कढ़ी कढ़ी और चावल, आलू की सब्जी भी नहीं कि हाँ चलो सब्जी आलू आलू के ले ले, बस कढ़ी की कढ़ी, वो भी आटे घोल के ले आए, सारा सामान बह गया, कूलर फ्रिज सब रखे थे सारा बह गया, हमारा कुछ परेशान कुछ नहीं बचा हमारे पास, पहनने के लिए कपड़ा लो नहीं बची, हाँ ऐसी ज्यादा जल्दी बाढ़ आ गई। अब तो अगले साल चुनाव है, आएंगे नेताजी आ जाएंगे, कौन देगा वोट, डाल देंगे जल्दी से दे, वो नहीं कोई नहीं देगा। तो किसको दोगे वोट आप, मोदी जी को केजरीवाल जी को है? बताओ ऐसे कैसे अभी बता दे कि हम किसको देंगे, जब को हमें मदद करेगा ना करेंगे भैया ना, पैसे ऐसे कुछ नहीं मिले हम। अब सुविधा मान लीजिए कि इलेक्शन के टाइम पे सुविधा कर दिए, फिर कैसे होगा? अब आपसे पूछता हूँ मैं कि मान लीजिए कि इलेक्शन के टाइम पे आप बहुत पीछे पीछे से बोलती हैं, आप आगे बोलिए, इलेक्शन के टाइम पे सुविधा कर दिए दो महीना पहले, फिर तो आप वोट दे देंगी, फिर इलेक्शन बीत जाएगा, फिर यही कहानी, फिर वो एक भी कहानी रहेगी। तो पूछेगा कौन नेताजी से कि परमानेंट, कौन बोला अभी तो कर देंगे, बोले कुछ भी नहीं है चलो, अब क्या है उनने उधर से हटा दिया, बोलो ना खाने के लिए ना पीने के लिए, कह रहे चलो कोई भी खाएगा तुम्हें कौन सी परेशान नहीं, हाँ मर जाएंगे चले जाएंगे तो उसको कौन ले जाएगा। हाँ अरे नहीं दे, खाना पीना दाल भी आई बेसन भी आए और जो ब्रेड मरेट आ रहा और कौन कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे चूल्हे भी खाना बनाते हैं, गैस चूल्हे बट गए तो कौन ने दिया, न पैसे दिया कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं मिला, नहीं सपने में नहीं उन्होंने भगा दिया चलो। हाँ वो भी पता नहीं है सबको, मुनई की भर जाए पेट, गरीब को कौन है, कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अभी मैं जो महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली है, जैसा सरकार का कहना है, सरकार को बस यही हो गई फ्री और क्या है फ्री बताओ, वो बोल रहे इलाज भी फ्री दे रहे हैं, शिक्षा भी बच्चों की फ्री दे रहे हैं, पेट में खाना कुछ नहीं है, और बस में दिन भर मजे लेगा, दिन भर बस में खाली मजा लेना है, घूमना है महिलाओं को, पेट में रहे अनाज न रहे, समझे, यही बस फ्री कर दिए। अच्छा बिजली आती है कि नहीं? नहीं बिजली नहीं है, देखिए लाइ। हाँ बताइए, कोई खा जाएगा हम लोग मर जाएंगे, हम तो गई किया मकोड़ा है, हम तो किया मकोड़ा की तरफ लेगा हम तो, अफसर लोगों ने कोई बिजली आती नहीं है और झुग्गी में परेशानी है, कोई किया मकोड़ा रात में खा जाएगा, हम लेट रहे हैं तो जैसे हमको सुविधा दे सकेगा हम मर जाएंगे, हम तो किया मकोड़ा की समय ले खाए। क्या काम करते हैं आप? हम सर जी जो करते हैं माली का काम करते हैं, हम पार्क में
पार्क तो पूरा की अभी पता चला कि अभी तो बंद पड़ा है, काम तो बंद पड़ा है। हम लोगों का खाना पीना है नहीं, हम कहाँ से व्यवस्था, एक डेढ़ महीना हो गया हमको। अगर सरकार हमको इतनी मदद दे दी कोई की मतलब खाने के लिए राशन पानी चीनी मिनी सक्का मिले चाय मार के लिए कोई व्यवस्था कर जाती तो हम लोग खाते पीते। अब हम कहाँ जाएं सर जी बताओ, हमारा काम लगाने है, पैसे कौन देगा हमको, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो आप जैसे हाँ दे दो आप। अच्छा, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है, जीवन चलना या कई सारे मुद्दे? अगर फोन तो होगा ही, रेडियो पे भी सुनते होंगे कि राम मंदिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उससे आप लोगों को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सर जी अब ऐसा है जी कि हमको कोई मदद करने वाला आएगा तो हम मदद के बोल देंगे, हम मदद मिली है कोई सरकार से, अगर कोई करेगा हमको मदद तो हम बोल देंगे मदद भई है, अगर नहीं बोलेंगे तो क्या बताएं, बताओ सर जी हम जो बताओ आप। राम मंदिर वगैरह मुद्दा नहीं है आप? नहीं सर जी नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमको फर्क पड़ जाता हम बोल देते कि हमको ऐसा हुआ है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुने हैं आप? हैं जी यूनिफॉर्म से? नहीं सर जी नहीं। दर्शकों को बता दे कि आप जो चांदनी महल में बैठ के नेता जो एजेंडा या सेट कर रहे हैं, धरातल पर जिंदगी बहुत अलग है और व्यवस्थाएं अलग है और जरूरत अलग। सर जी दो जने की झुग्गी में सांप निकले जे मोटे मोटे जहरी सांप, अगर किसी को काट खाता तो वो मर जाता, कोबरा सांप है वो, कोबरा मर जाता। कोबरा सांप बहुत है, सबसे ज्यादा हर जगह कोबरा ही सांप दिखता है, कोबरा सांप ज्यादा है बहुत है, कोबरा मर जाता है, जिसको काट लेता वो मर जाता आदमी, तो कोई किसी का नहीं होता है। तो वही सोचते सरकार के जो कीड़ा मकोड़ा है इनको जहाँ जहाँ उठा के फेंक दो। सर जी ऐसी बात है कि जैसे हम साफ पानी मिल रहा है कि नहीं? नहीं सर जी, हम जो पानी कहाँ से पीते हैं, जो बर्मा है हैंड पंप लगे हुए बस यही पानी पीते हैं, तो सब मीठा पानी आता है? नहीं जी नहीं, खारा पानी, बदबू आ दिया, खारा पानी दिया, पानी भी सही नहीं है पीने वाला। हाँ अगर आपको यकीन ना हो तो। हाँ बताओ क्या बताइए, कोई सहायता नहीं किया हम लोगों ने के लिए, गरीब के लिए अगर सहायता करते तो हम यहाँ के एकदम कहाँ जा रहे हैं नहा, अब नहाने के लिए वहाँ जाते हैं, खारा पानी हैंड पंप कैंची लगी है साहब। क्या काम करते हैं अब? कहा है साहब मजदूरी है, पार्क का काम करते हैं हम लोग, तो पार्क तो बंद है, अधिकतर लोग पार्क में ही काम, सब बंद है, सब बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे थे, रोड पे डिया डरा था, सब भाग गया हम लोग, भगा दिया, भाग गया हम लोग। थोड़ा पानी दिखा दीजिए, दर्शकों को दिखा देते हैं पानी कि लोग किस तरह का पानी। अच्छा आओ 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 आपसे भी बात कर ले। यहाँ डेली आता है मीठा पानी, यहाँ डेली आता है मीठा पानी, यहाँ डेली भरते हैं मीठा पानी सर जी, और खाना भी यहाँ डेली सेंटर का आता है, ये देख लो आप, यहाँ देख सकते हो, ये देख लो देखिए, ये खाने का ये सामान पड़ा हुआ है, देखो यहाँ से इन्हीं लोग खाते हैं, और कोई खाता है सेंटर वाले का, ये देख लो, यहीं से आता है खाने का। क्या बोल रहे हैं, खाना तो दे रहे हैं बता रहे हैं, खाना पूछ लो अभी, कड़ी चावल किसने नहीं ले गया, कौन नहीं खाया इनसे पूछ लो। यहाँ से मीठा पानी भी आता है, अभी 6 बजे आएगा मीठा पानी आता है, बाकी कुछ दिन यह बारिश हुई थी यहाँ भर गया था इसलिए मीठा पानी नहीं आया, मीठा पानी यहाँ नहीं आया कुछ दिन तक जब बारिश हुई था, बाकी मीठा पानी डेली आता है, आता है पानी भी आता है, पानी डेली आता है, अभी अभी आने वाला है, जल बॉर्डर आएगा पानी तो आता है, बाकी भर रहा जाता है, मीठा पानी डेली आता है, भरता है पानी, ये आपसे नहीं किसी पूछ लो, ये डेली भरता है, ये झूठ बोलने वाले बोलो आता है कि नहीं आता, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मीठा पानी नहीं आता है? नहीं आता है पानी। आता है ना? हाँ। तो आप क्यों बोल रहे हो मीठा नहीं आता है? बर्मा से आप भरो या ना भरो, नहाने धोने का है वो, मीठा पानी आता कि नहीं आता है, सब भरते हो, कल भी भरो परसों भी भरो डेली भरते हो, आता है। अब बिजली से पहले कनेक्शन सर था जी, अब मोटर का हो गया, बिजली का कम था पहले, मोटर से हो गया, मोटर से भर रहा है सर जी, डेली आता है, डेली भरा जाता है मीठा पानी। बाकी हाँ सर जी, बाकी संजय सहनी जो केजरीवाल का, संजय सहनी जो चांदनी चौक का है, वो भी आया, सब चीज बांटता है। तो ये तो तुम प्रचार कर रहे हो दोस्त, सब प्रचार वाली बात हो गई ना, सब चीज बांटता है, ऐसी नहीं है, ये तो नेता जी का प्रचार हो गया, इस पे नहीं, सुविधा है वो बेहतर है, जो है नेताजी का बोलना बेकार है, एक हकीकत, ये हकीकत तो ये भी है कि चूल्हे पे महिलाएं खाना बनाने को मजबूर है, ये है हकीकत, तो ये भी है ना, ये सांप निकल रहा है, हाँ ये भी है हकीकत, तो ये भी है ना कि केजरीवाल सरकार ने जो पैसे के बोला था वो नहीं पहुंचा, नहीं क्या, हाँ
ये तो है कुछ हकीकत है। हाँ कुछ हकीकत है, कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं। हाँ कुछ सुविधा है ना, सुविधा लेवल दियो बच्चों हमने मीठा पानी भी सारे लेडी डिब्बा लेके चलती है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला समझे, भगा देते हैं। खाना भी आता है इसमें, किसी को मिल जाता है किसी को भगा देते हैं, देते नहीं है। ये चक्कर है ना, बात ये है। हाँ बताइए। डिब्बा लेकर के गए पानी भरने, तो हम सिर्फ दो डिब्बा भर पाए और दो डिब्बा भरे नहीं। ये कह रहे हैं कि पानी टैंकर की पानी खत्म हो जाएगी, चलो टैंकर लेकर के, तो चले गए टैंकर लेके भगा दिए। ऐसा तो ये मुंह चला दिए जल्दी जल्दी, ठीक है, और पानी भरने तो नहीं देते ना, आते हैं टैंकर है खड़ा। अब फिर पानी क्यों नहीं भरने देते यार, ये तो गलत पानी। बात सुनो, चक्कर ये ना, वो अब बिजली से मोटर नहीं चलाता है, चलाता है वो अपना ना, पहले बिजली टैंकर आता है तो पानी तो भर भरनी सर जी भरने देते हैं। अबे इन्हीं का तो पैसा है, इन्हीं का तो वोट लेंगे आपके नेता जी, वही तो बात है। अब ये चक्कर है ना, अब देखो सर जी, अब वो पीने का पानी है, सही है, अब वो पीने का पानी उससे भी नहा भी रहे हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा तो समझा दो, भगा क्यों रहे हो टैंकर, मत भगा। हम नहीं भगवाते सर, ये हम क्यों भगवाए, हमारा बाप का प्रतिनिधि तो आप ही है, हमने पता किया है, नेताजी के प्रतिनिधि नहीं, हम जो मालिक है। हम क्यों भगवाए, हम क्यों, हम का भगवाए, हम का लिए भगवाए, हम बोलेंगे क्या, भग जाओ, भरो, आप भरने हो तो भरो, आप भरोगे तभी तो। अब हम बुलाने, चलो कोई नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्या, कोई फिर तो आप भरोगे तभी तो, ऐसे कहाँ से मिलेगा, हाँ ऐसे कहाँ से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कहीं से, कोई बात नहीं। चलो और बाकी सर जी देखो, हाँ ये खाना पीना देख लो, बता नहीं पानी सब डब्बा लेके भरते हैं, भरन नहीं देते हैं, पानी पानी वाले बोल रहे थे काकू जो मिलता वो मिलता, वो हाथे सो तो खाना आगे खाने नहीं देता है, खाना आराम से पड़े रहो, वो तो रहे सो खाना मैं मिलाए हम उन्होंने को, यहाँ पे ज्यादा खाना नहीं कहते, नहीं कोई खाना माना नहीं दिया। चलो आएंगे अभी देखने व्यवस्था भी, ठीक है, चलिए एक बार दिखा दीजिए थोड़ा अंदर, आइए थोड़ा अंदर, गुस्सा मत कीजिए, आइए दीदी देख लेते हैं। अच्छा यही है पानी, ये नहाने धोने के लिए है ना, ये नहाने धोने के लिए व्यवस्था है। कैसा पानी आता है जी इसमें बोलिए, खराब पानी आता, खराब खराब पानी आता है, को मैं पीने के लिए सही नहीं है पानी, थोड़ा चलाइए तो देखिए जरा इसको, जई बार माया तो वही खराब हो जाता ही ना, सदा इतना का छी नहीं, ये पानी पीने लायक है नहीं, नहीं है खड़ा है पानी, बीमार हो रहा है पानी से, तो इसको डेली पीते कैसे, डेली अब पीते हैं परवास पे, प्यास लगेंगी तो पीना ही पड़ता है पानी। अब देखें कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा कितना गंदा पड़ा है ये दिखा दें, हाँ। ये देखिए पूरा काई जमा हुआ है, हाँ। और दिल्ली जो किसी पेरिस बनने वाली थी 2015 के बाद से कथित तौर पर, वहाँ पे आज काई का ये एक सपोर्ट सिस्टम है, घरों में भी लगा के रखते हैं लोग, घरों में दूसरी व्यवस्था होती है, यहाँ पे दूसरी व्यवस्था, एक बार इनसे भी बात कर ले। अच्छा क्या परेशानी है, बहुत परेशानी हम सुन रहे हैं, बताइए आपको जो कहना है, ऐसा गीला पड़ा अंदर से, आ रहे हैं जी आ रहे हैं, हाँ बताइए, दो दो फुट की जगहें हैं, अब तमाम समस्याएं तो खड़ी हैं जस की तस, कैमरा मैन से कहेंगे यहाँ पे थोड़ा दिखा दे, हाँ बताइए, इतना गीला पड़ा, ऐसे गीले पड़े रख दे, अच्छा ये दब रहा है, हाँ, गीला है वो, पर बस पड़ने पर क्या करें, काम हम अच्छा रहो खाते सर जी, ना लाइट है ना कुछ है, रात में रात में लाइट नहीं है, हाँ, लाइट हाँ, नहीं है, लेकिन देखे हाँ, कि चार्जर वार्जर तो लगा हाँ, रखे हैं, तो चार्जर तो पहले से लगे पड़े, वो पहले एक दो घंटा पूरे दिन में, नहीं पूरे दिन नहीं आती है, रात में आती है एक दो घंटा, रात को आती है, पूरे दिन नहीं आती है दिन में तो। अच्छा कैमरा दर्शकों को थोड़ा बता दे कि जब कभी आप गांव जाएंगे तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये जमीन आप देख रहे हैं, ये पहले के ज़माने में घर को लीपा जाता था मिट्टी से, लेकिन वहाँ पे बरकत से ये थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ ज़बरदस्ती कच्ची जमीन है, वहाँ जमीन पक्की रहती थी क्या जी, धस्ता नहीं है घर ना, लीपते हैं, हाँ लीपते वहाँ मजबूत धाती है, मजबूत हाँ, ये तो यहाँ पे मजबूत, यहाँ नीचे धाती नहीं है,
या कमजोर धरती है। इसके नीचे 2-3 फुट के नीचे तो पानी? हाँ पानी नीचे तो पानी है, इसपे खोदो खोदेगे तो 3-4 फुट पे पानी निकल जाएगा। तो बड़ा खतरा भी है जी यहाँ पे रहने में। जानवर का डर डेली रहता है कि कुछ कीड़ा मकौड़ा बिच्छू? हाँ रोज रहता है। हमारे यहाँ पे एक बच्चे को खा लिया तो गांव भग गए लेके सांप ने। अरविंद हॉस्पिटल में, अरविंद यही काट लिया, खा लिया था सांप ने। तो 8 दिन रहा वो वहाँ भर्ती, जब ठीक हुआ वो फिर वो गांव चले। महिलाएं कैसे सोती हैं? उनको तो नीचे जमीन में सोती, जमीन यही तो सोती है। तो डर में नींद आ जाती है, तो क्या करें? वो तो जब जागते जागते मजबूरी में आ जाए, नींद से सो जाते हैं। देख लो लोगों, हाँ यहाँ पे खाना बनाते, पीछे ये पीछे लकड़ी रख के चूल्हे पे। थोड़ा कैमरा मैन दिखा दे, चूल्हे पे सेक भी रख दे, आग जला के थोड़ी तवा, मिट्टी के तवा से बना जी, इससे बनाते हैं। देखो भैया खाना इसमें। अच्छा आप पढ़ाई करते हैं, क्या काम करते हैं जी? नहीं सर, हम पारक ही का काम करते हैं। आप लोग सभी लोग पारक में ही? अच्छा अधिकतर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल? रहने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर झांसी के रहने वाले हैं ना। कहाँ मतलब? झांसी तो निवाड़ी जिला है, वहाँ पर रहते हैं हम सारे पूरे परिवार के यहीं पर। लगभग कितने परिवार होंगे यहाँ? यहाँ पर लगभग पूरे 27-28 परिवार हैं। सबकी यही स्थिति है, ना ही तो खाना ढंग से बना पा रहे हैं, ना ही तो कुछ। अगर अभी सुबह से पानी बरस रहा था तो खाना भी नहीं बना पाए, क्योंकि सारा टेंट जो है ये फटा रहता है। सरकार ने टेंट मेंट कुछ नहीं दिया है हमें कि इससे हम अपनी अपना बचाव कर सकें, कुछ नहीं है। हमारे झुग्गियों में अभी पानी आ गया था तो 15-20 दिन हम भी रोड पर डले रहे थे। अभी अभी झुग्गी डाली है, आप देख सकते हो वहाँ पर कचड़ा मचड़ा सब है, लेकिन कुछ वो नहीं है। दिखाओगे थोड़ा सा हमें? आप देख सकते हैं अभी डाली है। ये झुग्गी अभी हाल फिलहाल में ही डाली है ना? हाँ, अभी सुबह से। अच्छा सुबह ही डाली है? हाँ सब झुग्गी बना रहे, बहुत गंदगी था, गंदगी थी यहाँ बहुत ज़्यादा ही। तो MCD की तरफ से सफाई वगैरह नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी सुविधा नहीं हुआ, नहीं सफाई वफाई की। टेंट और खुलवा दी यहाँ पे, मच्छर में आदमी परेशान हो रहे हैं भाई, मच्छर तो बहुत ज़्यादा। नगर निगम या दिल्ली सरकार की कोई सुविधा पहुँची कि नहीं पहुँची है, या केंद्र सरकार की तरफ से? खाने पीने का सामान तो आया है, रोड पर रहते थे और 10,000 का भी बोले गए थे, सारा ओके हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, एक भी रुपये नहीं आए। सफाई के लिए MCD आती है यहाँ पे? नहीं है यहाँ, नहीं आती है MCD, नहीं है यहाँ रोड पे। तो भाई जब तक रोड पे रहे वहाँ रोड पे तो सफाई करी MCD वाले, यहाँ तो कभी नहीं आते, नहीं ना आए ना पहले आए ना अभी, उम्मीद भी नहीं है। नहीं नहीं आने की कोई है के आए, आए नहीं तो आप कहाँ से आएंगे? अगले साल चुनाव है, सभी नेता लोग आएंगे। आ जाओ भाई सब, 2 मिनट और कि आपसे बात करते हैं। चुनाव है, सभी नेता लोग आएंगे तो फिर नेताजी बोलेंगे कि हम आपके लिए ये सुविधा कर देंगे, वो सुविधा कर देंगे। विश्वास होता है राजनीति पे और नेताओं पे? का विश्वास नहीं होता है, राजनीति वाले तो झूठे ही बोलते हैं हमेशा। कोई कोई नेता ऐसा है कि वो सच बोले, नहीं तो नेता तो सभी झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी सच बोल रहे हैं या झूठ, या मोदी जी सच्चे हैं या झूठे, आप क्या आकलन करते हैं, क्या सोचते हैं? तो कोई कुछ बातें सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, कोई जितने बोलते हैं उतना नहीं होता है कम, कभी कोई भी नेता हो। आप तक बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? हम तो यहीं पे रहते हैं, वो वाली मेरी वाली झुकी है, मेरा तो सारा सामान भी बह गया, राशन वादन कपड़े लगते सब। अचानक ही पानी भरा था, हम चले गए थे बच्चे की दवाई लेने के लिए, मेरा बच्चे पैरालाइज था, इसलिए शाम को आया तो इतना पूरा पानी यहाँ पे। पुलिस वालों ने घुसने नहीं दिया सामान निकालने के लिए, बहाव था। पुलिस वालों ने मतलब ठीक से व्यवहार किया नहीं? नहीं उन्होंने जाने नहीं, पानी ज़्यादा हो गया था, बोले पब ने मत जाओ, सामान बहरा बहने तो इतने, इसलिए हमने गए नहीं। मेरी माँ जबरदस्ती है तो पैर में कीड़ा काट लिया, तो उसका इलाज चल रहा है मतलब जानलेवा भी हो जाता है मसला ना है?